मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सिद्धौड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। महिला का नाम है फूलमती देवी, उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है, उनके तीन बेटे हैं, बड़े बेटे और मझले बेटे उस महिला को मारते हैं पीटते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, महिला आयोग और यहाँ तक स्थानीय SP कार्यालय में भी जाकर अपना रिपोर्ट दी है। अभी तक उस महिला को किसी प्रकार का हेल्प नहीं मिला है। वह महिला डर के कारण अपने घर भी नहीं जा रही है। अब देखना है कि उस महिला को न्याय मिलता है कि यह दर दर की ठोकर खाती है। कहाँ से आए और कहाँ अभी आ पाए थे? क्या SP साहब को? SP साहब के पास आए हैं चिट्ठी देने अपना सुरक्षा के लिए। क्या हो रहा था जो आप देने आए? मेरा बहू मेरा जब ना तब हमला करती है, मार देती है, उसके बाद मेरा बेटा भी मार देता है। पहले वो मारती थी, अब बाद में मेरा बेटा भी मारने लगा। क्या बोले, हम कैसे रहेंगे, कैसे घर में काट देंगे? बोलिए हम अकेला हैं, मेरा पति नहीं है, हमको जब न तब बोलता है लोग विधवा आश्रम देते हैं, मत नहीं हम क्या करें सर। कितना बेटा है आपका? 3 बेटा है। और एक 3 बेटा में कौन बेटा आपसे बदमाशी कर रहा? वो बड़ा बेटा है, शादी सुविधा वाला है, उसका 2-3 बाल बच्चा है, वो भी कर रहा है। मझिला वाला भी कर रहा है बदमाशी है, उसका बहू लोग भी कर रहे हैं बदमाशी। क्या नाम है ये तीनों चारों का? सुनील सिंह नाम है मझिला बड़ा वाला बेटा का। और एक तो बदमाशी कर रहा उसका? सुशील कुमार सिंह है। और मझिला वाला बहू? वो बड़ी बहू जो है मेरा को जब न तब हाथ उठाती है, कितना दिन से हाथ उठाती थी मेरा को मालूम नहीं चलता था। हम बोलते तुम हाथ उठा, हमको समझ आता है कि घर से मेरे को भगाने के लिए उठाते थे। तो हम बोले कि तुम कितना भी मार लो, बाकी हम भागने वाली नहीं हैं घर से। जब हम नहीं भागे तो हमको ये लोग साबित करके विधवा आश्रम देने का प्रोग्राम लगाया था। खाना बना लेगी, अपना रूम में लेके भाग जाएगी, खाना भी नहीं देगी घर से। अभी कहाँ पर SP से साहब से मिले आप? हाँ, SP साहब से हम मिले, गए चिट्ठी देने के लिए। चिट्ठी दे दिए अपना सुरक्षा के लिए। कौन थाना क्षेत्र का है? AD लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।